हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम स्टिचिंग एंड ब्यूटिशियन में आप लोगों का यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज सूट है और बैक पीछे कॉलर वाला है, तो हम पीछे डिजाइन बनाना है छोटा सा। तो आप लोगों को बनाने का तरीका मुझे विश्वास है कि समझ आएगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए, ये हमने पीछे का बैक जो है पीछे का हमने कटिंग कर ली हुई है। अब हम इस पे डिजाइन लगाएंगे। डिजाइन तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पट्टी है, पट्टी देखिए। बस हमने डिजाइन नहीं, बस ये छोटा सा यही ये बनाना है। तो आप लोग तरीका देखिए, बिना बकरम का कपड़े का ही हम ये बनाएंगे। बस ये हमारा जो बूंद है, ऐसे ही पीछे हम इसकी सिलाई करके और कटिंग करके तुरपाई कर देंगे। तो देखिए, हमें लगाने का हम तरीका बता रहे हैं। हमने ये देखिए पहले से ही ये छोटा सा इस कपड़े में डिजाइन बना लिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डिजाइन बनाई हुई है। तो अब हम इसी पे, ये हमारा पीछे जो कॉलर वाला है, हमने थोड़ी सी एक आधी इंच की ये कटिंग कर ली हुई है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा ये बीच का सेंटर है, हम इसी पर ऐसे रखेंगे, ये थोड़ा सा नीचे, ये देखिए हमने रख लिया। अब हमें ये देखना भी है कि हम आधे के सेंटर से, देखिए ये रखना, नाप लेना है कि बीच के सेंटर में डिजाइन आए। 10.5 इधर है, तो देखिए 10.5, 10.5 नहीं, यहाँ 10 आ रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे इधर की। देखिए तो ये देखिए, यहाँ से 10.25 ये हमारा आ रहा है, और यहाँ से हमें इधर भी 10.25 आ रहा है। तो हमारा ये डिजाइन बीच के सेंटर हो गया। अब हम इस पे सुई से इसको थोड़ा सा कर लेंगे, ताकि हमारे डिजाइन हिले ना जब हम मशीन चलाते वक्त। इसको थोड़ा सा हम ऐसे, देखिए हमने ऐसे लगा लिया है। अब हम इस पर मशीन चलाएंगे, ताकि सुई इसलिए लगाए ताकि ये जब मशीन उठा के कपड़ा ले जाएं और हमारा बिगड़े ना, सिलाई चला सके। ओके दोस्तों, तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर हम सिलाई चलाने जा रहे हैं ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम मशीन चला लेते हैं ऐसे, कपड़े को घुमा घुमा के। ऐसे घुमा के हम सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हम इसको कट करना है। तो देखिए, हम ऐसे कपड़े पकड़ के, अब देखिए इसी तरह हम ये कपड़े की कटिंग करेंगे। ये जो हमारी है, इस तरह हम नुक्कड़ तक कटिंग करेंगे, ताकि पलटने में हमें कोई वो ना हो।
जैसे जहाँ जहाँ घुमाव है हम ऐसे ही कट कर लेंगे ताकि पलट सके हम इसे अच्छी तरह से। ऐसे हमने इसको कर लिया है, अब हम इसे पलटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे ही कच्चा कर लेंगे। देखिए ऐसे ही कपड़ा अंदर करके, देखिए ऐसे ही जब हम ये ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कच्चा कर लेंगे, ऐसे सुबह से कच्चा कर लें। बाद में इसको हम खोल देंगे, अभी फिलहाल कच्चा कर रहे हैं। फ्रेंड ऐसे हम कच्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कच्चा कर लिया है। अब हम ये जो हमारा इधर है इसको तुरपाई कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तुरपाई करने का भी मैं तरीका ये बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सुई में धागा डाल लिया है और तुरपाई हमें इसी तरह, ये देखिए ये है हमारा, पहले हम ऐसे मोड़ लेंगे। देखिए ऐसे मोड़ के हम ऐसे पकड़ के धीरे धीरे तुरपाई करते चले जाएंगे। ऐसे ही फोल्ड करके फ्रेंड्स, इसको ऐसे खींचना नहीं, इसको जो है इसी की सीध में ऐसे ही ढील करके ऐसे ही फोल्ड करना है ताकि वट ना पड़े। देखिए ऐसे ही इस गोलाई से बनाना है। ऐसे हमें पूरी ये जो हमारा ये घुमाव है यहाँ पर भी हम ऐसे ही ढील देके, देखिए इसी तरह हम ये फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे ढीला रख रख के ऐसे करके फिर हमने पकड़ के ये ऐसे तुरपाई कर लेंगे। ऐसे हमारे घुमाव लेते जाएंगे और इसको ओके फ्रेंड्स,
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तुरपाई कर लिया है, उल्टा है, और देखिए सीधे की तरफ, देखिए देखिए फ्रेंड, हमारा ये बन गया है। देखिए छोटा सा, तो बनाने का तरीका मैंने आप लोग को समझाया। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप ऐसे सीख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।